नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज, ऑप्शन ए एवरेज डिमांड टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी इज मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर प्लांट टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट, सी है रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट टू द मैक्सिमम डिमांड, डी है नन ऑफ द अबाउ. तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर प्लांट टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट. जो मैक्सिमम डिमांड है वो ऊपर है और उसके साथ किसका रेशो है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट का, इसे हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर. नेक्स्ट है एक कंज्यूमर कंज्यूम्स 400 किलोवाट आर पर डे एट ए लोड फैक्टर ऑफ 0.3, इफ ही इंक्रीजेज द लोड फैक्टर टू 0.6 विदाउट एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम डिमांड, व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आर. इसमें कहा है कि एक कंज्यूमर है वो 400 किलोवाट आर पर डे कंज्यूम करता है और उसका उस टाइम लोड फैक्टर होता है 0.3. अब लोड फैक्टर को इंक्रीज कर दिया गया है 0.6 पर मैक्सिमम डिमांड को इंक्रीज नहीं किया है, मैक्सिमम डिमांड सेम है. तो जो लोड फैक्टर है वो क्या होता है हमारा, एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड या एवरेज एनर्जी कंज्यूम पर डे अपॉन मैक्सिमम डिमांड. तो एवरेज एनर्जी हमारी क्या है 400 और मैक्सिमम डिमांड हमारी दोनों केसेस में कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लोड फैक्टर जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी कंजप्शन के. तो फर्स्ट केस में लोड फैक्टर दिया हुआ है 0.3, तो अगर ये 0.3 प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली 400 किलोवाट आर के, सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनती है 0.6 प्रोपोर्शनल है एक्स के, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है किलोवाट आर में, इसको हम एक्स मान लेते हैं. इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 0.6 प्रोपोर्शनल है एक्स के. तो इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं. तो 0.3 इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.6 इक्वल्स टू 400 अपॉन एक्स. तो यहाँ से 0.3 से 0.6 को कैंसिल आउट करके 1/2 इक्वल्स टू 400 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 800 किलोवाट आर. तो वैल्यू हमें क्या मिली, 800 किलोवाट आर. ऑप्शन ए इज करेक्ट.